लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव संपन्न होना है। 19 अप्रैल को पहले चरण के 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जो रुझान पूरे देश से मिल रहे हैं वह रुझान इस बात की ओर पूरे देश के ध्यान को आकर्षित करता है कि आम जनता के मन में एक ही भाव है, वह उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, कि फिर एक बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्ष में देश के अंदर जिसकी तस्वीर को बदली है, आम जन की तकदीर को बदलने के लिए जो एक सकारात्मक पहल किए हैं, उसके प्रति जनता का सकारात्मक रुख भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बिना भेदभाव के समाज के हर तबके का पूरा समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। द्वितीय चरण के चुनाव 26 अप्रैल को होने जा रहा है और द्वितीय चरण में 13 राज्यों की 89 सीट्स पे चुनाव होने हैं, जिसमें अभी सूरत की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध भी एक सीट पर अभी हो चुके हैं। चुनाव इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है कि संभवतः पहला चुनाव देश का होगा, 18वीं लोकसभा का चुनाव है और अब तक के पहला चुनाव होगा जिसके परिणाम के बारे में पूरा देश आश्वस्त है। आश्वस्ति का भाव इस देश से क्योंकि मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पर ध्यान देकर के पूरी जवाबदेही के साथ हरेक मोर्चे पर सर्वांगीण विकास के जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं, आज देश उसका लाभ प्राप्त कर रहा है। यह हरेक क्षेत्र में वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा का 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान का मामला हो, भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ करने का हो, भारत की आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, नक्सलवाद की समस्या को समाधान के लक्ष्य तक ले जाने का हो, या फिर देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने का, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एक्सप्रेसवेज, आईआईटी, आईएम, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सभी कार्य पूरे देश के अंदर ट्रिपल आईटी, एनआईटी, ये एक लंबी श्रृंखला है इनकी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पहली बार गवर्नमेंट परफॉर्मेंस के आधार पर भी कार्य कर सकती है और उस आधार पर जनता जनार्दन के बीच में जा सकती है, यह पहली बार देखने को प्राप्त हुआ है। देश के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के 140 करोड़ लोगों को प्राप्त हो सकता हो, यह भी देश पहली बार देख रहा है। 80 करोड़ गरीबों को 4 वर्ष से लगातार राशन की सुविधा का लाभ फ्री में उपलब्ध होना, 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त हो जाना, 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट खोल करके सरकार की धनराशि उन सभी लोगों तक सीधे डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य हो, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो, या फिर 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाने का काम हो, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने के कार्य हो, 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बनाने के कार्य हो, या 2.5 करोड़ गरीबों को एक एक
बिजली के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्य हों। पहली बार वास्तव में देखा है लोगों ने कि योजना का लाभ बिना भेदभाव के हर तबके को कैसे प्राप्त हो सकता है। जो नारा मोदी जी ने 2014 में दिया था, सबका साथ और सबका विकास का, वह जमीनी धरातल पर कैसे हकीकत में बदला है, यह भी पूरा देश देख रहा है और हर तबके के मन में इन सभी योजनाओं को लेकर के भारी उत्साह है। महत्वपूर्ण यह है कि जब हम लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो लोकसभा चुनाव के दौरान एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था और संकल्प पत्र की एक प्रति के साथ पिछली बार मैं भी आपके बीच में यहां पे आया था। भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण के मतदान के पहले अपना संकल्प पत्र जनता जनार्दन के सामने प्रस्तुत कर दिया था। कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इंडी गठबंधन के अलग अलग दल भी अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं। मित्रों, इंडी गठबंधन और खासतौर पर कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के जो घोषणा पत्र हैं, घोषणा पत्र के विभिन्न प्रावधानों के खतरनाक इरादों की तरफ ही ध्यान आकर्षित करने के लिए आज हम सब जनता जनार्दन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जनता जनार्दन का ध्यान और खासतौर पर इन मुद्दों को लेकर के, एक तरफ 1970 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश को गरीबी हटाओ का नारा दिया था, गरीबी नहीं हट पाई क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं थे। उनके 19 सूत्री 20 सूत्री कार्यक्रम बनते थे लेकिन वे फाइलों तक कैद होकर के रह जाते थे। शासन स्तर पर अगर किसी गरीब के लिए योजना का लाभ भी देने की बात होती थी तो कमीशन खोरी की भेंट चढ़ जाती थी। योजना का लाभ चेहरा देख करके देने की जो प्रवृत्ति कांग्रेस ने उस समय प्रदान की थी, कमोवेश वही स्थिति हम लोगों को यूपीए सरकार के सामने और विभत्स रूप में देखने को मिला। आज का जो कांग्रेस इंडी गठबंधन से जुड़े हुए सहयोगी दलों के जो घोषणा पत्र जारी हुए हैं, उस घोषणा पत्र को देख करके हम कह सकते हैं, एक तरफ अपनी गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिना भेदभाव के देश के अंदर हर तबके के लोगों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए कार्य किया और 10 वर्ष में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से उभार करके उन्हें खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाने में मदद की। और दूसरी तरफ कोई भी इस प्रकार के प्रमाण कांग्रेस या उसके सहयोगी दल नहीं दे सकते कि जिन्होंने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया, आखिर इतने लंबे समय तक शासन करके 65 वर्षों से अधिक समय तक देश के अंदर शासन करने के बावजूद उनका पॉलिटिक्स परफॉर्मेंस पर आधारित क्यों नहीं बन पाया था, क्यों इनकी योजनाएं पिक एंड चूज की थी, चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ देने का कार्य क्यों, और खासतौर पर अब दादी के दिए गए नारे को पोते के द्वारा किस प्रकार से तोता रटंत की जा रही है कि हम एक झटके में गरीबी हटाएंगे, और गरीबी कैसे हटाएंगे इसका अगर आपको उनके घोषणा पत्र में देखना हो तो यह खतरनाक इरादा भी है और हास्यास्पद भी है। वो कह रहे हैं कि हम संपत्ति, लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और संपत्ति सर्वे करके फिर उस संपत्ति को अपने अनुसार फिर उसका बंदर बांट करेंगे। यानी पहले देश के संसाधनों पर लूटपाट, याद करिए यूपीए सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने एक अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार